आजकल गाना लोग दो हफ्ते में भूल जाते हैं, तो इसलिए लोग रिमिक्स बनाते नहीं कि चलो यार। आजकल पहले ट्रेंड होता था कि हर गाने का रिमिक्स बनता था, और अभी सारे गाने हिट हो जाते हैं और बहुत सुपर हिट होते हैं और दो हफ्ते में लोग गाना भूल भी जाते हैं। तो मे भी इसलिए लोग आजकल रिमिक्स नहीं निकाल रहे। हमने पहले इसका स्लो वर्जन निकाला था, और एक्चुअली हम रिमिक्स पहले शूट कर चुके थे, मैं लक्ष्मी क्षमा आ जाएगी, बिकॉज सच में क्षमा को क्या हुआ, क्षमा को उसके बाद हमने वो स्लो वर्जन शूट किया था, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू आपका भी, सभी फैंस का। एंड एक फैन ने तो कमाल ही कर दिया, उसका मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिसने हमारा सबका दिल जीत लिया। एंड वो लक्ष्मी को भी बहुत प्यार कर दिए, उस लड़की के हाथ नहीं है, पर फिर भी उसने यू नो इतना खुशी खुशी से मेरा पेंटिंग भी करा है, और उन्होंने रील्स भी बनाया, मैंने उनको और वो हुक स्टेप भी किया हमारा, और हुक स्टेप भी किया, मैंने उनको इंस्टा पे ही देखा था। एंड बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो जहाँ सारी दुनिया इन्जॉय कर रही है, वहाँ पे एक अच्छी ऐसी क्यूट फैन ने भी डांस किया है और इन्जॉय किया। उनका नाम क्या है, अलग अलग। हाँ, एक बार मैं चाहूँगा प्लीज आप देखें, और ये गाने से अलग है, लक्ष्मी की फोटो दिखाई कि उसने बनाई हुई है, आई थिंक वो हैदराबाद से है। हैदराबाद से वो मेरी पेंटिंग भी बना चुकी थी, शी इज अ बिग फैन ऑफ माइन, तो वो देख के मजनू गाना देखा, एंड शी लव्ड मिका एंड एवरीबॉडी, तो उसने मुझे वीडियो भी देखा। एक्चुअली मैंने एक्चुअली इन्हीं से उनका गूगल पे, आई थिंक उसके बाद अकाउंट नहीं है लेकिन गूगल पे ही है, उसके थ्रू हमने थोड़ा सा उनको एक जेस्चर, एक टोकन ऑफ लव दिया है, इट्स नॉट लाइक मनी, बट मैं पेंटिंग मुझे बाद में पता चली, मुझे लगा वो इतना अच्छा डांस कर रही है, और आज की डेट में हमारे पास सब कुछ होता है, बट वी आर नॉट हैप्पी, हम सभी लोनली हैं, और कहीं ना कहीं हम घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, काम के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, और जबकि सही सलामत हमें भगवान ने सब कुछ दिया, हाथ भी दिए हैं, आँखें दी हैं, आप उनको देखो कि वो इतना इन्जॉय कर रही थी वो गाने के ऊपर। फिर मैंने उसको नंबर ढूंढ के मैंने उसको कॉल किया, वीडियो कॉल किया, फिर बाद में पता चला कि वो बहुत अच्छी पेंटर है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए सच में। जैसे मैंने बताया कि मजनू हमारा गाना अगेन शाहरुख खुर्शीद ने कंपोज करा था, और हमें लगा था ये गाना जब मूवी में आ जाएगा तो हमें रिमिक्स करने की रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा गाना रिमिक्स ही निकालेंगे। हम सारे एक्साइटेड हुए, और लक्ष्मी को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सोलो गाना करूँगा, सेम मैंने क्षमा को बोला था कि गाना सोलो करेंगे, और पर टाइम हमारा इतना कम था कि वहाँ पर जाके स्मिथ जी को मैंने बोला कि हमें ये गाना शूट करना है। शूट से पहले हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि हम बहुत ज़्यादा हम लड़ पड़े, मैं क्षमा और लक्ष्मी, इतना कि इन्होंने बोला गो टू हेल, मैं कहा यू बोल रहा, इन्होंने बोला हमें काम नहीं करना, मुझे नहीं तुम्हारे साथ काम करना, बाहर में जाओ, और हेलो सर कैसे हो, इतना कुछ खास नहीं था, छोटी सी बात में पता नहीं क्या पंगा पड़ा हमारा, और एक घंटा लड़ते रहे हमने शूट ही कैंसिल कर दिया। इनको मैंने बोला कि कल तो मैं ना मनाऊँगा ना मुझे करना, और हमारा एक कॉमन फ्रेंड है मिस्टर बाला जो बैंक की चिकन से है, उन्होंने वैसे मुझे कॉल किया कि क्या हालत माना, मैं क्या बस मुझे पता है तुमने कॉल, आपने क्यों कॉल किया, और मुझे आपसे बात नहीं करनी, और आप मुझे ये मत बोलना कि इनके साथ वीडियो करना, मुझे नहीं करना इनके साथ वीडियो, वो
तो किसकी बात, उसने वैसे भी जाकर कॉल किया और मुझे लगा शायद लक्ष्मी ने उसको बता दिया कि हमारी लड़ाई हुई है। फिर उसने लक्ष्मी को कॉल किया, इसने सेम जवाब दिया कि तुम जो तरफदारी कर रहे हो हमने, तो मुझे लगा मिका ने बताया है। करते करते फिर उन्होंने बोला हम दोनों को मनाया और वीडियो में ऐसे लग रहे जैसे हम यू नो कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड। मैं अक्सर इनकी बिल्डिंग में जाके कभी कभी जिम करता रहता हूँ, तो वहाँ से मेरा आइडिया था कि एक वीडियो ऐसा हो जहाँ पे ऐसा ना हो कि गन्स गर्ल्स गून्स ज़्यादातर यही चल रहा है हर वीडियो में। मैं क्या, एक फ्रेंडशिप वाला वीडियो होना चाहिए, देर इज़ नो फ्लर्टिंग नथिंग, चार फ्रेंड्स गए हैं जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, लोग इन्जॉय करने जाते हैं। तो मैंने इनको बोला यार माल्टा चलना है, वहाँ जाके शूट करेंगे, हॉलीडेज भी हो जाएंगे। तो लक्ष्मी ने यस करी, देन शमा ने यस करी, देन स्मिथ भी हमें आज हमारे साथ जुड़ गए। तो ऐसा ही हमारा वीडियो बना। नाउ लक्ष्मी See, like he said, the beginning was very bitter, but it was very unexpected actually. बहुत छोटी चीज़ यहाँ से beginning अच्छी थी, वहाँ जाके bitter। हाँ वहाँ, मतलब वो वहाँ वहाँ का बात कर रही हूँ। So जैसे हम पहुँचे तो it was a very unexpected argument से थोड़ा fight हो गया। It was just, it started as an argument. उसके बाद ऐसे हो जाता है ना, and especially with good friends, you take the liberty of expressing it more. तो मिका के साथ मैं नहीं करूँगी, मैं यहाँ से चले जाऊँगी मिलान, तुम करो अपना गाना एंड ऑल, वो बोलते ना तू जा, मैं भी नहीं करूँगा। सो वी वर इन अ टिफ। सो थैंक्स, वी आर ग्लैड दैट वी हैव मोर फ्रेंड्स हु एक्चुअली क्लियर्ड आउट द डिफरेंसेस, एंड हम लोग बाद में वी डिडंट कीप इट अप फॉर दैट लॉन्ग। तो बाद में दूसरे दिन हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया एंड वी वर सो हैप्पी एंड सो फास्ट वी फिनिश दिस सॉन्ग, एंड इट वॉज अ वेरी गुड सॉन्ग। एंड व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने बोला मिका वी आई एम डूइंग दिस, इट्स अ ग्रेट रिमिक्स। And more so over ये जो remix है, it's like a very club song, you know, people will enjoy this in a club. And there are very few songs now which have been played, and even the slow songs have been remixed into a fast song. So it was a good idea that he remixed this song, क्योंकि इसका slow version भी है and he's remixed this. So it was a very nice one. Like he said कि दो गाना हम लोगों ने plan किया था, time नहीं बना, and then we came back and we will shoot that in future. But it was a lovely experience. हम लोगों ने माल्टा में, that was my first time to Malta, also beautiful locations, the way it was shot by Sumit and by the director and the entire team, it was so so fast and we didn't realize कि हम लोग shoot पे आए हैं, we just went there as you know three good friends and we shot like a friendship song. And then अब जाके release हुआ है and I'm happy the output, the way it's come. So thanks to him. Thank you. और हमारे साथ director हैं सुमित जी, और पंजाब में इन्होंने more than 2000 videos बनाए हैं सुमित भारद्वाज ने, जिनमें से हनी सिंह का सुपर हिट गाना था अंग्रेजी भी, तो which is shot by him. तो हम बहुत सालों से जानते हैं, very talented और वन मैन आदमी। आपको मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर जब हम वीडियो में आप काम जब देखते हैं उसमें 100 लोग काम कर रहे होते हैं, मैं दावे से कहता हूँ ड्रोन से लेके कैमरा से लेके ही वॉज द ओनली वन जिसने अकेले ने सारा शूट करा है। बिकॉज माल्टा में ज़्यादा परमिशन की हमारे प्रॉब्लम होती है, तो बहुत कम टाइम होता है हमारे को शूट करने के लिए, बट ही सुपर टैलेंटेड कि एक ही बंदे ने सारा गाना शूट कर दिया। जब मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ काम करना, तो खुद भी मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ता है। जैसे यू ऑल नो पाजी सब कुछ प्ले कर लेते हैं, सब कुछ सिंगिंग को तो करते हैं, बट बैक स्टेज भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दुनिया का। तो बस स्कूल टाइम से हमने भी इंस्पिरेशन ली कि जो सीखो पूरा शुरुआत से करो। बाकी वीडियो जैसे पाजी ने बोला कि फ्रेंडशिप वाई करनी थी, हमारा शुरू से प्लान ये था कि वो ऑफिशियल काइंड ऑफ लुक नहीं रखना है, एक वीलॉग टाइप रखना चाहिए, कैंडिड वीडियो लगना चाहिए और उसी थीम को पेस भी बना रहे। ये तो नॉर्मली रिमिक्स आप देखते हो तो क्लब में शूट होते हैं, डार्क लाइट्स में शॉट डांसर के साथ शूट होते हैं, बट इसका हमने लुक एंड फील रखा रोमांटिक और वाइब पूरी म्यूजिक के साथ रही, और वो एडिट में भी खेला, एडिट में भी खेला, वो अच्छा निकला। और प्रोफेशनल आर्टिस्ट साथ में हो तो और अच्छा काम निकलता है। थैंक यू, ऐसे प्यार करते रहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू भाजी अगेन। अरे नहीं यार, तुझे आप बहुत